हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ने जा रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में, और यह अशोक सम्राट का दूसरा पार्ट है। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है पहला पार्ट, मैं चाहूँगा कि पहले वो पहला पार्ट देख लें, बाद में दूसरा पार्ट देखें, क्योंकि दोनों एकदम अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो लोग भी पहला पार्ट देखेंगे उन्हें सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ वो पहला पार्ट देखें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में, और यहाँ हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले पार्ट में कवर कर रखी है, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टॉपिक कवर करेंगे। जैसे मौर्य शासन में उस समय प्रशासन कैसा था, उस समय सामाजिक स्थिति कैसी थी, प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। और यहाँ से मैंने दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आज का ये जो पार्ट टू है ना, ये ऐसा पार्ट है जो आपको याद नहीं होता है, किसी भी लड़के को पूरी बातें याद नहीं होंगी, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर हो जाएगा, खुल जाएगा एकदम से, और सारी चीज़ें आपके दिमाग में हूबहू याद आ जाएंगी। ठीक है, और क्वेश्चन तो एकदम जरूर मिलने वाले हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता क्वेश्चन। देखिए, मौर्य प्रशासन में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? राजनीतिक एकता देखने को मिलती है। तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि जो अशोक था उसके शासनकाल में लगभग पूरा भारत एक हो चुका था। ठीक है, और सारे राज्यों पर किसका अधिकार हो गया था? मौर्य का अधिकार हो गया था, तो राजनीतिक एकता तो थी ही। ठीक है, साथ ही साथ समस्त शक्तियां जो थीं देश की या राज्य की, वो किस में केंद्रित थी? राजा में केंद्रित थी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर सभी शक्ति किसी एक व्यक्ति में केंद्रित हो जाएगी आज के ज़माने में, तो वहाँ कुछ न कुछ निरंकुशता तो आ ही जाएगी। लेकिन अशोक ऐसा नहीं था, अशोक में सारी शक्तियाँ केंद्रित थी, उसके बावजूद भी वो निरंकुश नहीं था। ठीक है ना, वो निरंकुश नहीं था, मतलब कि वो तानाशाही नहीं करता था। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि मैं राजा हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं था, वो जनता के लिए अच्छा सोचता था, अच्छा करना सोचता था, हमारा नगर अच्छा रहे, प्रशासन अच्छा रहे। और यहाँ आपको मैं ऐसी गजब गजब की चीज़ें बताऊँगा, कसम से आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता था उस जमाने में। ठीक है, सीधे सीधे बात करूँ तो ईसा मसीह के जन्म के 250 साल पहले ऐसी व्यवस्था होना अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी। तो यहाँ होता क्या है, देखिए कि यहाँ सबसे पहली बात तो मुख्यमंत्री होता था राजा का, और उसका पुरोहित होता था। ठीक है, और इनको चुना जाता था उपधा परीक्षण विधि से। उपधा परीक्षण एक विधि था, एक तरीका था चुनाव करने का, और उसी के द्वारा किसको चुना जाता था, वहाँ के मुख्यमंत्री या पुरोहित को। ठीक है, और मुख्यमंत्री पुरोहित करते क्या है, तो देखिए राजा के नीचे होते हैं जस्ट मुख्यमंत्री। ठीक है, और पूरी पूरी चीज़ें ना आप हमारे देश से कोरिलेट करके चलो, जैसे मान लीजिए राजा कौन है, मान लीजिए नरेंद्र मोदी, तो अलग अलग देशों के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग जहाँ देश की हम अलग अलग राज्यों की, उसी तरह वहाँ अलग अलग प्रांत थे, बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत बने हुए थे, सबके मुख्यमंत्री बने हुए थे। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ क्या है, 29 प्रांत है, लेकिन वहाँ क्या है, प्रांत तो अलग अलग थे लेकिन मुख्यमंत्री उनका हेड होता था। ठीक है, तो ये देखिए राजा था, और राजा को उसकी कार्य में सहायता करने के लिए एक कमेटी बनी होती थी जिसको बोलते थे मंत्रिपरिषद। तो आज भी तो है, आज भी मंत्रिपरिषद क्या करता है, प्रधानमंत्री को सलाह देने का काम करता है, राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करता है, और यही मंत्रिपरिषद के जो सदस्य थे वो कहे जाते थे अमात्य। तो आपने सुना होगा अमात्यों का बोलबाला था, तो अमात्य मतलब क्या है, अमात्य का अर्थ ही है मंत्रिपरिषद के सदस्य। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ जो मंत्रिपरिषद सदस्य होते हैं, ठीक है, उनकी मंत्री बनने की योग्यता होती है, आप पॉलिटी में वीडियो उठा के दे सकते हैं, इसका वीडियो मैंने बना चुका हूँ मंत्रिपरिषद के ऊपर। ठीक है, तो उन्हीं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को क्या बोला जाता था, अमात्य बोला जाता था। और इन मंत्रिपरिषदों में होता कौन था, जो मेंबर होते थे, होते कौन, जैसे गवर्नर, जैसे सेनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, नौसेना कमांडर, आय व्यय का नियंत्रण रखने वाला थे। देखिए कैग आ गए यहाँ पे, सीएजी कही करता है ना, नौसेना अध्यक्ष क्या आज नहीं होते हैं, कमांडर आज नहीं होते हैं, क्या कोषाध्यक्ष आज नहीं है, सेनाध्यक्ष नहीं है, गवर्नर नहीं है, सारी चीज़ें वही तो है जो आज की व्यवस्था में है। और इतना ही नहीं, इनको मंत्रिपरिषद को और राजा को उनके कार्य में मदद के लिए एक उप समिति भी होती थी। ठीक है, उसको बोला जाता, उसके सदस्यों को बोला जाता था मंत्रिण। ठीक ना, और अभिलेखों में इनका नाम मिला है परिसा, अभिलेखों में इन्हीं मंत्रिण को क्या बोला जाता है, परिसा। ठीक है, और ये मंत्रिपरिषद के सदस्य को अमात्य। ओके, और इनका जो मैं सैलरी थी वो कितना था, 12,000 पड़, 12,000 पड़, इनका वेतन कितना था, 12,000 पड़। और हमको डिटेल इसका कहाँ से मिलता है कि एक कहाँ से मिलता है, तो कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था वहाँ से मिलता है। उसमें बताया गया है कि जो शीर्ष अधिकारी होते थे उनको क्या बोला जाता था, उनको तीर्थ कहा जाता था, और इन अधिकारियों की संख्या कितनी थी, 18 हुआ करती थी। तो देखिए कितने अधिकारी हैं, आपको याद नहीं करना दोस्तों, मैं मुझे पता है कि आपको आज तक नहीं याद हो पाया सारा, आज याद हो जाएगा, कब, जब आप इसको
कोरिलेट करके चलेंगे आज की व्यवस्था से। देखिए, जो पुरोहित होता है या मंत्री होता है उसको मुख्यमंत्री हमने बोला या प्रधानमंत्री बोला, ठीक है। जो सेनापति होता, आज भी सेनापति होते हैं, ये अलग बात है कि हमारी सेना तीन पार्ट में बट गई है, जल थल वायु। वायु सेना तो उस समय थी नहीं, लेकिन जल सेना और थल सेना उस समय भी थी, ठीक है। तो जो सेनापति होता था वो क्या होता था, वो युद्ध विभाग का मंत्री होता था। सिंपल सी बात है, याद क्या करना है यार। और समाहर्ता, समाहर्ता माने जो टैक्स कलेक्ट करने वाला होता था, यानी जो राजस्व विभाग का होता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, यानी इसको हम बोलते थे फाइनेंस मिनिस्टर, उस समय का वित्त मंत्री। समाहर्ता क्या करता था, पूरे के पूरे वित्त मंत्री का रोल अदा करता था कि कैसे क्या करना है, किसके ऊपर टैक्स कितना रहेगा, ये सारा डिसीजन मेकिंग का पावर इसके पास था, ठीक है। सन्निधाता, सन्निधाता बोला जाता था कोषाध्यक्ष को, यानी जो पैसा जिसके पास रखा रहता है उसको बोला जाता था सन्निधाता। तो धाता माने होता है कि रखने वाला, ठीक है ना। अब देखिए, प्रदेष्टा, प्रदेष्टा बोला जाता था न्यायाधीश को, यानी जज को। जमाने में जज भी होते थे, 250 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कब, ईसा मसीह के जन्म के 250 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और न्यायाधीश होते थे, और ये कौन से न्यायाधीश होते थे, तो फौजदारी न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना। नायक कौन होता था, जो सेना का संचालन करता था। देखिए, सेनापति उतनी बड़ी सेना को तो अकेले हैंडल करेगा नहीं, सेना क्या होती थी, छोटे छोटे टुकड़ियों में बटी होती थी, ठीक है। तो सेना का जो संचालन करता था वो कौन करता था, नायक करता था, ठीक है। और कार्मंतिक होता था, कार्मंतिक का काम क्या था, उद्योग और कारखानों का मंत्री। तो कर्म, कर्म से याद करिए, कर्म का काम कहाँ होगा, कर्म का काम होगा कार्य करना, मतलब उद्योगों में या तो कारखानों में, उनका मंत्री क्या कहलाता था, कर्मोन्नीक, ठीक है ना। आगे इसी तरह देखते हैं, देखिए इसके बाद होता था दंडपाल। दंडपाल किसको बोलते थे, तो दंडपाल यानी दंड देने वाला, और दंड देने वाला होता कौन है, पुलिस अधिकारी होता है। इसको रक्षिड़ भी बोला गया है आगे, ठीक है ना। रक्षिड़ स्पेशली जो छोटे छोटे कांस्टेबल होते थे उनको बोला जाता था। तो देख रहे हैं, कहीं कांस्टेबल है, कहीं से जो है अधिकारी है जो दंड देता है, ठीक है। तो सारी व्यवस्थाएं कि आज जैसी नहीं है, आज जिस जिस पोस्ट पे जो जो लोग हैं ना, ठीक वैसी उसी पोस्टों पर उस जमाने में व्यवस्थाएं थी। और व्यवहारिक, व्यवहारिक क्या कहलाते थे, जो न्यायाधीश होते थे नगर के, ठीक है, उनको बोला जाता था व्यवहारिक। नागरिक होते थे उनको कोतवाल को बोला जाता था, या जो आजकल के जो शहरों में महापौर पौर होते हैं ना, उस तरह उस जमाने में नगर के क्या करने के लिए, नगर को देखभाल करने के लिए महापौर या पौर होते थे, तो नगर से बन गया नागरिक, ठीक है। और हम उसको कहीं कहीं कोतवाल भी बोलते हैं, ये पुलिस वाला कोतवाल नहीं है, ठीक है। दुर्गपाल, दुर्ग माने दुर्ग का, पाल माने रक्षक करने वाला, पालने वाला, रक्षक करने वाला, दुर्ग का जो रक्षक करता था वो दुर्गपाल था। अंतपाल यानी जो अंतिम, यानी बाउंड्री पे जो दुर्ग बने थे, यानी सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक जो करता था उसे अंतपाल बोलते थे, अंत माने अंत में, ठीक है। आटवी किसको बोलते थे, आटो बोला जाता वन को, ठीक है ना, पर्यायवाची है, ठीक है। आटो विभाग यानी आटविक यानी वन विभाग का जो प्रधान होता था उसको बोलते थे। दौवारिक किसको बोलते थे, ये राजमहल का देख करने वाला था। दौवारिक याद कर लिया कि दौवारिक मतलब द्वार, और द्वार कहाँ होगा, ढेर सारे द्वार, ढेर सारे खिड़कियां, ये सब कहाँ होंगे, राजमहल में, तो उसका देख रेख करने के लिए दौवारिक होते थे, ठीक है। मंत्री परिषद अध्यक्ष, ये क्या होते थे, परिषद का अध्यक्ष होते थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 26 जो है अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्य के अलावा भी थे जो द्वितीय श्रेणी में रखे गए थे। इनकी संख्या टोटल क्या थी, 36 थी, और ये भी पदाधिकारी थे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो भी याद, ये मैं आपको एकदम समझ लीजिए कि मैं रटाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, याद तो याद रट जाए सारी चीजें। लक्षणाध्यक्ष, देखिए एक दो मैं कहूंगा आपसे याद करने के, बाकी सब मैं आपको बता दूंगा। लक्षणाध्यक्ष, तो लक्षणाध्यक्ष जो था वो मुद्रा और टकसाल का नियंत्रण करता था। मुद्रा क्या रहेगी, मुद्रा कैसी रहेगी, सोने की, चांदी की, कितने पड़ की रहेगी, ये सारा कौन करेगा काम, लक्षणाध्यक्ष। तो लक्षणाध्यक्ष आज के जमाने में आरबीआई आप समझ लो। पौतवाध्यक्ष, तो पौत करो कि पौ को इधर लगा दो, तौल तौल, ठीक है ना। तो माप तौल, माप तौल का जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे पौतवाध्यक्ष, ठीक है ना। शुल्क अध्यक्ष मतलब शुल्क लेगा, किस काम के लिए, से जुर्माना लग गया, राजकीय धन कहीं से एकत्रित हुआ तो हो गया शुल्क अध्यक्ष। सीता बोला जाता था कृषि विभाग के अध्यक्ष को, सीता अध्यक्ष, ठीक है। तो सीता जी कहां से निकली थी, खेत जोतते समय पैदा हुई थी, तो याद कर लीजिए सीता से बना लीजिए, सीता अध्यक्ष यानी कृषि विभाग से। आकरा अध्यक्ष, आकरा माने होता है, आकरा अध्यक्ष होता था जो खानों का अध्यक्ष होता था, खानों का, ठीक है ना, उसको बोलते थे आकरा अध्यक्ष। पड़े अध्यक्ष माने होता था, पड़ बोला जाता था, देखो पड़ मैंने बोला 12,000 पड़ सैलरी थी, तो पड़ माने क्या हो गया, सैलरी यानी मुद्रा। तो मुद्रा का काम किसमें होगा, व्यापार या वाणिज्य में, तो पड़े अध्यक्ष किसका हेड था, व्यापारिक और वाणिज्य का हेड था, ठीक है ना। नवा अध्यक्ष, नौ माने नौसेना, नौसेना का अध्यक्ष।
संस्थाध्यक्ष जो सड़क होते थे उनको संस्था बोला जाता, संस्था माने संस्था नहीं है, संस्था माने आप सड़क देखोगे, जो सड़कों का व्यापारिक सड़कों का जो अध्यक्ष होता था उसे संस्थाध्यक्ष बोलते थे। गणिकाध्यक्ष बोला जाता था दोस्तों, जो गणिका बोला जाता है वेश्याओं को, जो वेश्याओं का निरीक्षण करता था उसको बोला जाता था गणिकाध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष क्या करता था, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट का विभाग संभालता था। तो यहाँ आपको मुद्रा और पड़ा ये दोनों में अंतर समझना है। देखिए जो पड़ा वाला है ये वाणिज्यिक विभाग को देखेगा, व्यापार को देखेगा, ठीक है, जबकि जो मुद्राध्यक्ष है वो पासपोर्ट को देखेगा, और शुल्काध्यक्ष जो है वो शुल्क को देखेगा, मुद्रा वाला काम देखेगा। महामात्रा परसरण पसरण ये क्या करता था, ये गुप्तचर होते थे, जगह जगह जाते थे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रांतों में देखते थे और राजा को सूचना भेजते थे, यानी रा आईबी की तरह होते थे। इनको आगे गूढ़ पुरुष भी कहा गया है, ठीक है। तो चीजें अब आपको समझ में आ रही होंगी, ओके। अब देखिए मैंने यहाँ चार पार्ट में बांट दिया है, ठीक है, ये पढ़ने के लिए ताकि आपको आसानी से याद रहे। देखिए प्रांत होते थे, जिला होते थे, नागरक यानी नगर होते थे, और ग्राम होते, आज भी होते हैं, ग्राम नगर जिला प्रांत होते हैं आज भी ना, सेम वही था। तो ग्राम को जो हेड होता था उसे ग्रामीक कहा जाता था, नगर वाले हेड को उल्टा हो गया नागरक बोला जाता था, जिला वाला जो हेड होता था उसको विषयपति बोलते थे, और इसमें जो व्यक्ति होता था उसे वैसेपति बोलते थे, और इनके पद को बोला जाता था आहार या विषय, ठीक है। अब प्रांत को, प्रांत का जो हेड होता था वो कुमार या आर्यपुत्र कहलाता था। अब प्रांत जो होता है सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई, और ग्राम जो है सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई। तो जाहिर सी बात है प्रांत बड़ा ही होगा, ग्राम छोटा होगा। ग्रामिक के अलावा राजुक जो होता था वो देखभाल का काम करता था, गाँव की देखभाल करने का काम राजुक करता था। इन्हीं राजुक को जज भी कहा जाता था, कि ये गाँव के क्या हैं, जज हैं, क्योंकि जो विवाद होते थे वो यही निपटाते थे। जो नगर के देखरेख करते थे उन्हें महामात्र बोला जाता था। जो विषयपति होता था वो जिला का करता था, या विषयपति होता था, हाँ जिला का करता था। और जो उनके स्थानिक होते थे उनको डीएम बोला जाता था, डीएम को क्या बोला जाता था, स्थानिक या प्रादेशिक बोला जाता था। तो ये पूरी की पूरी क्या है, व्यवस्था थी। तो चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो आप कोरिलेट करके चलते चलिए, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। थोड़ी सी बातें और हम आपके साथ करेंगे। ये तो रही प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बातें। अच्छा, प्रशासन के अलावा थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका राज्य कहाँ तक फैला था। तो अगर हम पूरा एक क्षेत्र माने अशोक का, तो उत्तरापथ यानी उत्तर में यह फैला था तक्षशिला तक, और तक्षशिला आप जानते हैं कुछ जमाने में तक्षशिला ही एकमात्र विश्वविद्यालय था, और विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, तो वो भी तक्षशिला है, ठीक है। और दक्षिण की अगर हम बात करेंगे, दक्षिणापथ, तो यहाँ पे सुवर्णगिरी तक इसका राज्य फैला था कर्नाटक के पास, ठीक है। कलिंग, इधर कलिंग का युद्ध जीती गया था वो, ठीक ना, और शासन के राज्यभिषेक के 9वें साल में 261 BC में, ठीक है, और नंदराज से लड़ा था लड़ाई, फिर लड़ाई लड़ने के बाद जीती गया था। तो कलिंग की जो राजधानी बनाई थी उसने तोसली बनाई थी, और दक्षिणापद की राजधानी कहाँ थी, सुवर्णगिरी थी। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, और इधर अवंती तक, अवंती की राजधानी उज्जैनी यानी उज्जैन तक, ठीक है। और बीच में कौन हो गया, तो बीच में प्राची हो गया या मध्य देश हो गया, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है। तो पूरा इसका सेक्टर यानी इतना राजधानी बनाने की क्या जरूरत थी, कि प्रांत बड़ा था, ठीक है, और गाड़ी घोड़ा तो थे नहीं, कि मोटर वाहन थे नहीं, और मोबाइल वगैरह भी नहीं था। तो प्रांतों को, अब अशोक तो हर जगह रह नहीं सकता है, तो अशोक रहता था पाटलिपुत्र में, बीच से सबको हैंडल करता था, और साइड साइड में क्या हो गया था, अनेक प्रांत की स्थापना कर दिया था। यहाँ पे जो होते हैं, जो प्रांत के हेड होते थे, कुमार या आर्य कुमार जो होते थे, वो क्या करते थे, इसकी देखभाल करते थे, ठीक है, वो इसकी देखभाल करते थे आराम से। इसके बाद बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, जहां पता चलता है कि राजस्व की रूपरेखा इसकी क्या थी, कैसे थी। तो इसका यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के लिए हम यही तीन तो बातें करते हैं, कि कृषि क्या है, पशुपालन क्या है, वाणिज्य क्या है, और इन्हीं तीनों को एक साथ मिलाने पर कहा जाता था कि वार्ता है। इसको क्या बोला जाता था, वार्ता। देखिए जो भूमि होती थी, अगर मैं भूमि की बात करूं, तो भूमि तीन प्रकार की होती थी, एक कृष्ट होती थी, एक अकृष्ट होती थी, एक स्थल होती थी। कृष्ट को बोलते थे जुती हुई भूमि, अकृष्ट को बोलते थे बिना जुती हुई, और स्थल को बोलते थे ऊंची भूमि। और जो इन तीनों का कर वसूलता था उसको बोलते थे सीताध्यक्ष, ठीक है। तो कॉमन सी बातें हैं। देखिए इसके बाद फिर क्या होता था, कि जिस भूमि में बिना वर्षा के अच्छी फसल हो जाए, यानी बिना सिंचाई के, बिना वर्षा के अच्छी फसल, बहुत अच्छी भूमि है, इसका मतलब उसे बोला जाता था अदेव मात्रिक, अदेव मात्रिक ऐसी भूमि को। और जिस भूमि का स्वामी ना हो, तो आज क्या होता है, जो जिस भूमि का कोई मालिक नहीं हो सरकार के अंडर में, तो जिस भूमि का कोई मालिक नहीं हो क्या होता था, वो जो है अशोक के अंडर में चला था, राजा के अंडर में हो जाता था, ठीक है। सिंचाई के लिए बोला जाता था, हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं उसमें सेतु बंध, तो सेतु पे सेतु बनाना या बांध बनाना, तो सेतु बंध सिंचाई के लिए। अगर आपको नहीं भी याद है ना, ऑप्शन मिलने पर आप टिक कर लोगे, ठीक है।
राज की भूमि पर जो है कि मिलता था कई लोगों को काम करने के लिए मिलता था। जैसे आज क्या होता है, जिनको जो जेल में रहते हैं उनको क्या, उनको बैठ के खाना नहीं खिलाया जाता, उनसे काम करवाया जाता है, ठीक है। तो जो दास होते थे, जो कर्मकार होते थे, जो कैदी होते थे, वो राज की भूमि पर, मतलब जो सरकारी भूमि थी, उनका दंड ही होता था कि उस पर बुआई जुताई करें, बुआई जुताई गुड़ाई ये सब करें, ठीक है। तो उनसे काम करवाया जाता था। और जो भूमि का कर लगता था वो कितना लगता था, 1/6 लगता था। तो कुछ आपको आर्थिक व्यवस्था समझ में आ रही है कि आर्थिक स्थिति उस समय कैसी थी मौर्य में, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपसे एक बार फिर से करना चाहता हूँ। देखिए कुछ वर्ड हैं जो अक्सर करके डायरेक्ट एग्जाम में पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे सीता किसे कहा जाता था, हमने कितनी बार पढ़ा, सीता अध्यक्ष हो चाहे सीता, सीता जी निकली थी खेत से, कृषि से। तो कुछ ना कुछ इसका भूमि से तात्पर्य होगा, यानी राज की भूमि से होने वाली आय को क्या बोलते थे, सीता। और जब कर दे देते तो सीता उसको उसको जो वसूलता था सीता अध्यक्ष हो जाता था, ठीक है। भाग क्या बोलते थे, कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री से जो कर प्राप्त किया जाता था उसे क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। ये उपज का एक हिस्सा होता था, ठीक है। प्रवेश से किसे कहा जाता था, आयात कर को क्या बोला जाता था, प्रवेश से बोला जाता था। निष्क्राम्य किसको बोला जाता था, निर्यात कर को निष्क्राम्य बोला जाता था। आयात प्रवेश माने, देखिए आयात माने क्या होता है, अगर कोई देश, मैं जैसे मान लीजिए कि दाल मंगा रहा हूँ किसी देश से, मान लीजिए मोजाम्बिक से अभी ने भारत ने दाल मंगाया, ठीक है ना, कुछ दिन पहले। तो मोजाम्बिक से दाल मंगा, दाल का आयात किया, आयात मतलब उसने आयात किया, मतलब ये भारत में आया तो भारत में प्रवेश किया, तो प्रवेश से हो गया। निष्क्राम्य मतलब निकल गया, निकल गया तो क्या कर दिया हमने, निर्यात कर दिया, तो निष्क्राम्य हो गया। प्रणय किसे बोलते थे, आपातकालीन जो कर लगता था, ठीक है, तो उसको बोलते थे प्रणय। बलि बोलते थे दोस्तों भू राजस्व को, याद रखिएगा बलि अक्सर करके आता है, बलि सीता भाग ये तो बहुत आते हैं, ठीक है। हिरण्य भी आता है, हिरण्य भी आता है, ठीक है। तो हिरण्य अक्सर करके एग्जाम में आ जाता है। तो हिरण्य बोला जाता था किसको, यदि हम अनाज के रूप में अपना कर न देकर, जैसे उपज का एक हिस्सा देते थे, अगर अनाज के रूप में कर न देकर के नगद में कर दिया जाएगा तो उसे क्या बोलते थे, हिरण्य बोला जाता था। यानी नॉर्मली देखिए यहाँ क्या लिखा है, भाग को किसी उपज का एक हिस्सा होता था और यही कर के रूप में दिया जाता था भाग को। तो अगर आप उपज को न देकर के नगद कर देंगे तो क्या कहलाएगा, हिरण्य कहलाएगा। वृष्टि क्या होती थी, जो निःशुल्क श्रम और बेरोजगार लोग होते थे, यानी उनको क्या बोलता था, वृष्टि बोला जाता था। सेतुबंध बताई थी आपको मैंने कि सिंचाई के प्रबंध करने वाले को सेतुबंध बोलते थे। और जो टैक्स होता था वो उपज का 1/5 से 1/3 भाग तक कर लगता था, तो फिक्स नहीं था, 1/5 से 1/3, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख, अच्छा हाँ ये मैं बता दूं, ये अभी तो मैंने पीछे बताया 1/6 है ना, वो वाला आप टैक्स मत समझिएगा। जो लोग अगर सिंचाई कराते थे उन्हें अलग से पैसा देना पड़ेगा, तो या तो अलग से वो पैसा दे दें, या तो अलग से पैसा दे दें, या तो उपज का इतना हिस्सा और दे दें तो उनके खेतों को सिंचाई करें। भारत सरकार से ट्यूबवेल चलवाती है, ट्यूबवेल के लिए पैसा लेती कि नहीं, तो वही ट्यूबवेल जो उस समय चलता था, ट्यूबवेल तो होता नहीं था, नहरों से नदियों से सिंचाई होती थी, तो उस समय जो उपज का 1/5 से 1/3 हिस्सा उनको अलग से चाहिए सिंचाई के लिए, ठीक है ना, वो वाला है, ठीक है ना, आप वो वाला टैक्स मत सोच लेना। जूनागढ़ अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों अशोककालीन व्यवस्था का, ठीक है, या ध्यान देंगे। इसके बाद जो मंत्रियों का अधिकतम वेतन होता था ना, 48,000 पर होता था, जो सबसे छोटा कम वेतन था वो 60 पर था। आप कभी से सुन रहे हैं पढ़ पढ़ पढ़, ये पढ़ क्या होता है, देखिए पढ़ मीन्स होता है 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का। आप सोचेंगे तोला क्या होता है, तो आप अपने मम्मी से या अपने पापा से पूछिए कि मम्मी ये बताइए 3/4 तोला क्या होता है, वो आपको बता देंगे, ठीक है, मुझे आवश्यकता नहीं बताने का, ठीक है। तो 3/4 तोले के बराबर चांदी के सिक्कों को क्या बोलते थे, पड़ बोलते थे। और इनका सैलरी कितना होता था, 48,000 पड़, जो मैक्सिमम होता था। 12,000 पड़ तो मंत्रिपरिषद का हमने देखा, और जो प्रधानमंत्री होते थे, जो मेन वाले होते थे, उनका 48,000 पड़ तक अधिकतम था। देखिए हर भाई अब सबका अलग अलग नहीं होता है, जो सेना का चीफ कमांडर होगा उसका अलग होगा, जज का अलग होता है, अलग अलग होते हैं, तो उसी उस जमाने में भी अलग अलग थे। और जो मुद्राएं थी उस समय, उस मुद्राओं को जो सर्वमान्य था, जो पब्लिक लोग यूज करते थे, उसको आहत रजत मुद्रा भी बोलते थे। रजत देखिए चांदी का दूसरा नाम है, ठीक है ना, तो आहत रजत मुद्राएं, और उसको देखता था सारा काम लक्षणाध्यक्ष, क्योंकि हिट तो टकसाल मेंटेन करता था, छापना निकालना आरबीआई वाला काम। देखिए जो मुद्रा थी वो 4 तरीके की थी, एक थी करसापड़, कई नामों से आता है एग्जाम में, करसापड़, धरड़, पड़, ये सब एक ही नाम है, तो अड़ 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 याद रखिए, ये चांदी का सिक्का होता था। सुवर्ण बोला जाता था सोने को, तो वैसे नाम से भी लगता है। मासक बोला जाता था तांबे के सिक्के को, और काकड़ी बोला जाता था तांबे का जो छोटा छोटा सिक्का होता था वो होता था काकड़ी, ठीक है ना, ये होता था। ब्याज भी उस समय दिया जाता था, ब्याज पर जो मुद्रा दिया जाता था, ब्याज का काम, देखिए बैंक तो थे नहीं लेकिन हाँ ब्याज पे मुद्राएं दी जाती थी, तो जो ब्याज होता था ना उसको रूपिका बोला जाता था या परीक्षण बोला जाता था। जी हाँ परीक्षण, ठीक है ना, रूपिका और परीक्षण। और जो उद्योग धंधे होते थे ना उनको श्रेणी का नाम दिया जाता था, श्रेणी, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान देंगे। आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं, बस दो एक दो पेज और है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। देखिए दोस्तों फिर से आइए बातें करते हैं थोड़ी सी
और डिटेल में इसको, उस जमाने में इंश्योरेंस भी होता था, बीमा। आप सोचिए, ईसा मसीह के जन्म के 250 साल पहले भैया इंश्योरेंस आ गया था। बैंक नहीं तो ब्याज तो दिया जाता था लोगों को, ब्याज पे धन दिया जाता था, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्या होता था कि इंश्योरेंस मतलब बीमा। बीमा मतलब क्या होता है, कोई भी व्यापारी अगर कहीं जाता है माल बेचने और रास्ते में उसका डकैती हो जाता, चोरी हो जाता, तो उसका खर्चा वो राज्य सरकार देता था, ठीक है ना। और इसको बोला जाता था भय प्रतिकारव्य। तो भय मतलब डर के मारे, डर गए, कैसे डर गए, चोर डाकू को आ गया छीन लिया तो डर गए, भय प्रतिकारव्य। और माप तौल का जो हेड होता था, जैसे आज भी तो माप तौल की चेकिंग होती रहती है कि सही है कि नहीं, ठीक है ना, तो वही माप तौल की सही क्वांटिटी है, सही क्वालिटी है, तो उस जमाने में भी होती थी। और ना अशोक ने एक नियम बना दिया था कि सभी लोग लाभ का एक निश्चित प्रतिशत रखेंगे ताकि मुनाफा खोरी ना हो सके, हैं। यानी जो आज हम लोग इंडेक्स पढ़ते हैं ना, इंडेक्स, इंडेक्स में क्या पढ़ते हैं, किसी चीज़ का मूल्य कितना होना चाहिए, उस समय के जमाने में भी होते थे। तो आप अगर ये सब लिखने के लिए आया है तो आप इतिहास में इन बातों को डाल सकते हैं और अच्छे नंबर कलेक्ट कर सकते हैं, अच्छा नंबर पा सकते हैं। भाई अगर सब लोग एक जैसा लिखेंगे तो आपको नंबर क्यों ज़्यादा देगा एग्जामिनर, ठीक है, क्यों ज़्यादा दे नंबर। यानी अगर आपको अच्छा नंबर पाना है तो लोगों से हट के लिखना पड़ेगा। मैं तो आपसे कहूँगा, आज एक लोग का मैसेज आया मेरे पास, उन्होंने हमसे पूछा कि सर ये बताइए कि मेंस में लिखे कैसे, अगर इनको लिखना हो तो कैसे लिखें। मैं तो कहता हूँ कि मैं जैसे लिखा हूँ वैसे लिखिए आप, ठीक है। या और इसमें ऐसा लिखिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए, कभी किताबी लैंग्वेज के चक्कर मत पड़िए, अपनी भाषा में लिखिए, जो आपका दिल कहता है उसे लिखिए। देखिए मैं भरोसा करता हूँ, भरोसा करिए आप, आपको सबसे अच्छा नंबर मिलेगा, सबसे अच्छा नंबर मिलेगा। आइए बात करते हैं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में, ठीक है। तो अशोक के जमाने में जो घर होते थे वो लगभग जो जितने घर थे वो पत्थरों के बनते थे, ये पत्थर मंगाए जाते थे चुनार से। चुनार पड़ता है आपके यहाँ पे विंध्याचल और मिर्जापुर के बगल में, ठीक है ना, वहाँ पे है। तो चुनार वहां से पत्थर मंगाए जाते थे। इसके पहले यानी चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार तक में ईंट और घर जो होते थे ईंट और लकड़ी के बने होते थे, ठीक है। तो लेकिन इसके समय से क्या हो गए, पत्थर के हो गए, ठीक है। अशोक और दशरथ, ठीक है ना, अशोक और दशरथ ने अलग अलग करके, ठीक है ना, नागार्जुनी पहाड़ी को काट करके गुफाएं बनवाई थी। और ये गुफाएं किसको दी थी बना के, आजीवक संप्रदाय को। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आजीवक संप्रदाय का किसने चलाया था, तो मक्खीलाल गोसाल, बार बार बोलेंगे तो याद रहेगा। और बराबर की पहाड़ियों को काट के आजीविकों को दान दिया था अशोक ने अलग से, ठीक है। यहाँ चार गुफाएं बनाई थी, कर्ण, चौपर, सुदामा और विश्व की झोपड़ी, ये चार गुफाएं थी। देवमूर्ति बोला जाता था कारू को, ठीक है ना, तो कारू का प्यार, देवमूर्ति मतलब कि जो ऐसे लोग जो मूर्ति बनाते थे मंदिरों वगैरह में या गुफाओं वगैरह में, जो डिजाइनिंग का काम करते थे, उनको देवताओं की जो मूर्तियां बनाते थे उनको कारू बोला जाता है। क्या बोला जाता था, कारू। अब ऐसे ब्राह्मणों को जो राज्य से कर मुक्त भूमि मिलती थी, जो ब्राह्मण होते थे ना, कुछ ब्राह्मणों को कर मुक्ति भूमि थी कि उस भूमि पे आप खेती करेंगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हैं, तो उनको बोला जाता था ब्रह्मदेय। क्या बोला जाता था, ब्रह्मदेय। आइए बात करते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में, ठीक है। तो देखिए सामाजिक स्थिति के बारे में दो जगह से पता चलता है, एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र, एक मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज की इंडिया इंडिका कहती है कि उस जमाने में कितनी जातियां थी, 7 जातियां थी, ठीक है। और व्यवस्था कैसा था, वर्णा श्रम व्यवस्था था, वर्ण पर आधारित व्यवस्था था। ब्राह्मणों को छोड़कर न तो कोई अंतर जाति विवाह कर सकता था, ना ही दूसरे के पेशा को अपना सकता था, मतलब ब्राह्मण एक काम कर सकते थे। तो ब्राह्मण आज भी करते हैं, जैसे पांडे तिवारी में, तिवारी त्रिपाठी में, ऐसे कर लेते हैं साथ ही अलग अलग। तो अंतर जाति विवाह और किसी के लिए नहीं था, मतलब लव मैरिज नहीं होता था, ठीक है, और ना ही दूसरों का पेशा कोई कर सकता, मतलब ब्राह्मण कर सकते हैं, ठीक है, और उनके अलावा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। स्त्रियों का अगर स्थिति देखें तो पुनर्विवाह का मिलता है, अच्छी बात थी कि यार अगर स्त्रियों का एक पति मर गया है तो उनका जीवन निर्वाह कैसे हो, यानी जिंदगी भर बैठे थोड़े रहेंगी, तो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए पुनर्विवाह कर सकती थी, नियोग कर सकती। नियोग क्या होता है दोस्तों, कि एक स्त्री का अगर पति मर गया हो तो उससे उसका जो छोटा भाई होता था यानी उसका देवर, जब देवर का विवाह स्त्रियों से हो जाता था उसको बोलते थे नियोग प्रथा, ठीक है। तलाक का काम भी था, जब स्त्रियां तलाक देती थी तो कहा जाता था कि उसको मोक्ष मिल गया है, तो तलाक के बाद तो मोक्ष ही मिल जाता है, जब बहुत दिक्कत होती तभी तो आदमी तलाक देता है, ठीक है। वेश्यावृत्ति का डिटेल मिल ही गया है, मैंने बता दिया कि वेश्यावृत्ति भी था, और वेश्यावृत्ति हमेशा राज्य के नियंत्रण में होता था, ठीक है ना, उसके देखरेख में होता था। और दास प्रथा की बात करें तो दास प्रथा भी थी, हालांकि कौटिल्य कहते हैं कि नहीं दास प्रथा जैसा कुछ नहीं था, लेकिन इंडिका में लिखा हुआ है कि दास प्रथा जैसा था, तो ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, ठीक है ना। सती प्रथा पूरे भारत में तो नहीं थी, लेकिन अगर भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से की बात करें, मतलब इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड की बात करें, तो वहाँ पे सैनिक जो जिन देहांत हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी जिनकी लड़ाई के दौरान, उनकी पत्नियाँ जो होती थी
वो जो है सती प्रथा करती थी, ठीक है ना, बाकी भारत में नहीं ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, आइए आखिरी टॉपिक पे बात करते हैं। इसके बाद है कि अशोक के दीर्घ शिला लेख के बारे में, ठीक है ना, कुछ चीजें छूट गई थी जो यहाँ मैं कवर कर दे रहा हूँ। तो अशोक के जो दीर्घ शिला लेख थे, देखिए उनकी संख्या 14 थी और वो 8 विभिन्न विभिन्न स्थानों से मिले हैं, यानी कुछ एक दो तो एक ही साथ मिल गए एक ही जगह पर, ठीक है ना। स्तंभ लेख 7 थे, 6 विभिन्न विभिन्न जगहों से मिले हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और एक एक दो इंपॉर्टेंट जिसके बारे में लिख दे रहा हूँ, जैसे दिल्ली मेरठ अभिलेख एक है, ठीक है, वहां से मिला था और यह मेरठ से उठाकर दिल्ली लाया गया, और किसने लाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। इसको मैं तुगलक वाले वीडियो में और डिटेल से बताऊंगा। एक टोपरा का अभिलेख था जो है, टोपरा हरियाणा में पड़ता है, इसको भी दिल्ली लाया था लाया गया था, तो आप ध्यान दीजिएगा। कुछ और चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट, जैसे यहाँ ये वाला पहले देख लीजिए, अशोक सबसे पहले कहाँ कहाँ जाता है। अशोक सबसे पहले गया की यात्रा किया है, फिर कुशीनगर की यात्रा किया है, फिर लुम्बिनी की यात्रा किया है। देखिए गया तो अपने शासन के 10वें वर्ष में गया था, और लुम्बिनी गया था कहते 20वें वर्ष में लाइन से, ठीक है ना, राज्याभिषेक के बाद, तो ऐसे लाइन से गया था। कपिलवस्त भी गया था, सारनाथ भी गया था, श्रावस्ती गया था। तो ये आप सीरीज याद कर लीजिए। सबसे पहले गया यानी जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, कुशीनगर जहाँ बुद्ध जी की मृत्यु हुई, लुम्बिनी जहाँ बुद्ध जी पैदा हुए, कपिल वस्तु मतलब पैदा होने बाद लुम्बिनी के कपिल वस्तु के नामक जगह पे मिला था, पैदा हुए थे। तो पहले लुम्बिनी गए, लुम्बिनी से तो कपिल वस्तु जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सारनाथ, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि दिल्ली में सरोजनी नगर जाना है हमें, ठीक है, तो मुझे कैसे जाऊँगा, या फिर राजीव चौक जाना है तो पहले दिल्ली होंगे तभी तो राजीव चौक जाऊँगा, तो पहले लुम्बिनी फिर कपिल वस्तु फिर सारनाथ जहाँ पर उनको ज्ञान मिला। श्रावस्ती, श्रावस्ती वो जगह दोस्तों जहाँ पर बुद्ध ने सबसे ज़्यादा क्या दिया, उपदेश दिया, श्रावस्ती, ठीक है ना। तो इतनी जगहों की यात्रा अशोक ने किया था। कौशाम्बी में दोस्तों एक घोषिताराम मठ बनाया था, बना था उस टाइम में, ठीक है ना, इसको आप ध्यान देंगे। कुशीनगर में राणा भर स्तूप बना हुआ है, सारनाथ का धमेक स्तूप, जो सारनाथ वाला स्तूप है ना उसको धमेक नाम दिया जाता है, श्रावस्ती का सहेत महत, ये सब जगह है जो अलग अलग नामों से जाना जाता था, ठीक है ना, अलग अलग जगह पर यहाँ चीजें थी, तो ये आप ध्यान देंगे। अन्य देशों के साथ संबंध कैसा था, तो अच्छा संबंध था अशोक का, ठीक है। अशोक ने उतना शासन कर लिया था, इससे ज्यादा विश्व विजय विजय जैसी कोई चाहत नहीं थी, इतना बड़ा भारत उतना संभाल ले बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देखिए सीरिया का शासक एंटियोक या एंटियोकस द्वितीय जो था वो इसका समकालीन था, समकालीन के लिए कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। मिस्र का एक शासक था तुरमय, जिसको टालमी द्वितीय भी बोलते थे, वो भी इसका समकालीन था। मकदुनिया का शासक अंतकीनी या एनीकीनी, ठीक है ना, वो भी इसके समकालीन था। साइरीन का शासक जो है मग मक मकमास या मेगारस, कई नाम है इसका, तो ये भी है। एपीरस का अलिक सुंदर बोला जाता था, अलिक रुद्रो बोला जाता था, ये भी इससे को है शासकाल में। एक अभिलेख है दोस्तों सोगौरा का अभिलेख, सोगौरा पड़ता है गोरखपुर में, ठीक है। यहाँ पे इस अभिलेख में मिला कि खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग लाया जाएगा। हालांकि देखिए वो क्या बोलते हैं कि आपातकाल जो होता है संकट के लिए, जैसे खाद्यान्न के लिए जो आपातकाल होता है भुखमरी, तो भुखमरी का लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। कई किताबों में लिखा है कि अशोक के शासनकाल में बहुत विकराल सूखाग्रस्त सूखा आया था जिसके कारण भुखमरी हो गया था, कुछ लोग कहते नहीं हुआ था, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। एक अभिलेख और है बोगरा का अभिलेख, ये मिला बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश साइड से मैंने कोई अभिलेख आपको नहीं बताया, ये इंपॉर्टेंट है बोगरा, तो बोगरा का अभिलेख कहाँ से मिला, बांग्लादेश से। अंतिम मौर्य शासक जो था वो बेदरत था, तो मैं आपको बता दूं कि मगध का जो पहला शासक था वो भी बृहद्रथ था, और जो अंतिम शासक है वो भी बृहद्रथ है। इसके बाद मगध टूटने वाला है, और मगध जो आखिरी शासक होगा बृहद्रथ, इसकी हत्या हो जाएगी, ठीक है, और फिर यहाँ से शुरू होगा सातवाहन वंश। इसके आगे का वीडियो दोस्तों मैंने बना चुका हूँ, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। और फिर इसके आगे अब एक वंश बचा है कुषाण वंश, मैं उसको पढ़ा के खत्म कर दूंगा, तो एंशियंट डिटी का लगभग काफ़ी सारा पार्ट कवर हो जाएगा। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक, बौद्ध जैन और सिंधु घाटी, और फिर मतलब प्राचीन भारत में जो पाषाण काल था वो सारी चीज़ें मैं बता दूँ, तो जल्दी ही आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा। आप एक एक करके तैयार होते रहिए, ठीक है। और कुछ लोगों का मैसेज आता है कि सर ये वीडियो बनाना बंद मत करिएगा, तो यार मैं काम शुरू किया हूँ, बंद नहीं करने के लिए शुरू किया हूँ, ठीक है, ये वीडियो ऐसे ही आपके सामने आते रहेंगे। हाँ, आप अपने कमरे में एक पेज पर लिख लो कि कहीं ऐसा ना हो जाए कोई दिन कि मैं स्टडी 91 चैनल का वीडियो देखना भूल जाऊँ, ठीक है। आप देखना मत भूलिए, मैं बनाना नहीं भूलूंगा, ठीक है। और आप अगर मेरे साथ इस तरह तैयारी करते रहेंगे तो मेरे विश्वास मानिए कि 6 महीने के अंदर मैं आपको इतने आप तेज हो जाएंगे कि फिर आपसे कोई टीचर भी बहस नहीं कर पाएगा, ठीक है, बच्चों की तो मैं बात ही नहीं करता। तो क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं ना, आप एक चीज़ और मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा कि आप चीज़ों को कैसे तैयार करें ताकि सारी चीज़ें आपको याद रहें, ठीक है। याद करने की मैं टेक्निक बताऊंगा कि कैसे याद करेंगे तो आपको जिंदगी भर वो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है, तो वो सारी मैं तरीका बताऊंगा। टाइम नहीं मिलता दोस्तों, इसलिए मैं बहुत सारी बातें आपसे करने रहता है लेकिन समय नहीं मिल पाता मेरे पास, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ थोड़ा, तो जरूर मैं आपके लिए टाइम निकालूंगा। पहले पढ़ाई कर लीजिए आप, ठीक है, फिर ये सारी बातें तो होती रहेंगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।